नमस्कार, मैं एडवोकेट सौरभ कुणाल, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम चर्चा करते हैं बहुत सारे लीगल और फाइनेंशियल इश्यूज को। तो मित्रों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सेक्शन 103 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 103। यहाँ पे हम जानेंगे कि कब अपनी संपत्ति की रक्षा करने हेतु अगर कोई व्यक्ति जो है किसी अपराधी की जान लेता है तो कब वो जायज होगा, या इसके लिए क्या कोई सजा का प्रावधान है, इसका उल्लेख धारा 103 में किया गया है। तो आज हम धारा 103 यानी कि इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 103 को जानेंगे, समझेंगे और इसे एनालाइज करेंगे। लेकिन उसके पहले मित्रों, मेरा आपसे यह आग्रह है कि अब तक अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन जरूर दबा दें, ताकि इस चैनल के जितने भी नोटिफिकेशन हैं, जितने भी अपडेट्स हैं, आप तक नोटिफिकेशन में पहुंच जाए। मित्रों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये संभावना है कि उसके संपत्ति को कोई लूटे या नुकसान पहुंचाए, तो वैसी स्थिति में उसके पास ये अधिकार होता है कि वह अपने संपत्ति को की रक्षा के लिए जो लुटेरा है, जो अपराधी है, उसके उस पर उसकी जान भी ले सकता है और यह कोई अपराध नहीं। तो कुछ एक घटनाओं का वर्णन धारा 103 में की गई है। इन परिस्थितियों में अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए जो अपराधी है, जो लुटेरा है, उसको अगर जान से भी मार देता है तो उस पर उसको कोई सजा नहीं होगी। तो क्या है धारा 103 में, तो चलिए सबसे पहले हम उसके बेयर एक्ट में जो परिस्थितियों का वर्णन किया गया है उसको हम जान लेते हैं। तो बेयर एक्ट 103 कहता है, व्हेन द राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, उन परिस्थितियों के बारे में बताता है जहां पे राइट टू प्राइवेट डिफेंस मतलब अपनी संपत्ति के लिए आत्मरक्षा, अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए अगर किसी की जान भी लेनी पड़े तो ये जो है इसके लिए कोई अपराध नहीं है। तो उसमें कुछ परिस्थितियों का वर्णन किया गया, वो परिस्थितियां क्या हैं। पहला है रॉबरी। रॉबरी मतलब अगर कोई डकैती हो रही है तो वहाँ पे जो है कहीं कोई लूट मची हुई है, तो वहाँ पे अगर कोई अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए अगर किसी की जान भी लेता है तो वो अपराध नहीं है। दूसरा है हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, यानी घर में घर को तोड़ के सेंधमारी करके अगर कोई इस तरह की संपत्ति को लूटता है, तो वैसी स्थिति में भी अगर आत्मरक्षा, अपनी संपत्ति की रक्षा करने में अगर किसी की जान भी लेनी पड़े तो वो अपराध नहीं है। तीसरा है मिस्चिफ बाय फायर कमिटेड By any building, tent or vessel which building, tent or vessel is used as a human dwelling or as a place for the custody of property, अगर किसी building में आग लगाई जा रही है तो ऐसी स्थिति में भी जो आग लगाने वाला है उसकी जान भी चली जाए, जान भी लेनी पड़े, तो यह आत्मरक्षा में अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए है और इसके ऊपर कोई अपराध नहीं बनता। और चौथी जो कंडीशन है theft, mischief और house trespass, यानी कि चोरी या कोई ऐसा उत्पात किया जा रहा है या कोई ट्रेस पास कोई खामखा घर में घुस रहा है, तो वैसी परिस्थिति में भी अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए अगर कोई किसी अपराधी या किसी व्यक्ति की जान ले लेता है तो यह क्षम्य है, इसके लिए यह जो है अपराध नहीं है और इसके लिए भारतीय दंड संहिता में कोई अपराध नहीं है, यह एक डिफेंस है। तो ये था हमारा सेक्शन 103 यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 103 के ऊपर यह वीडियो। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना और साथ में इसे अपने दोस्तों और मित्रों के बीच में शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।